तू चैम्पियन है यार ये शब्द मुझसे पहली बार कहे गए थे वेन आई एंटर्ड माई मिलिट्री स्कूल राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और मैं बड़ा कन्फ्यूज था, था कि पहले ही दिन मुझसे ये क्यों कहा जा रहा है तू चैम्पियन है यार मुझे लगा कि शायद मुझ में कुछ स्पेशल है या फिर शायद ये यहाँ का कल्चर है बट फिर रियलाइज हुआ कि इंडियन मिलिट्री का इंडियन आर्मी का ये एक तरीका है आपको समझाने का कि आपके टैलेंट की कोई लिमिट नहीं है और हार्डवर्क से और अपने काम से आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो mm -hmm. मुझे एंड में एक किताब मिली थी जो हमेशा मेरे पास रहती है आज भी मैं अपने पास रखता हूँ पे बस दो ही शब्द लिखे हुए हैं सबसे ऊपर वैलर एंड विस्टम mm -hmm. और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तो मैं यही दो वर्ड्स को याद रखता हूँ वैलर एंड विस्टम अच्छा आपने शुरू से शुरू करा है तो मैं भी शुरू से ही आना चाहूंगा जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था तो आई यूज टू टीच फिजिक्स फॉर फाइव ईयर्स तो वहां पे न्यूटन uh, का एक लॉ है हम सब जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन राइट तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट एंड दिस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जब कल एग्जामिनेशन है आरबीआई का तो एवरीथिंग इज अबाउट हाउ यू गिव रिएक्शन ठीक है तो न्यूटन का जो लॉ है सब ने पढ़ाया है टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एन ऑपोजिट रिएक्शन बट देर इज एन एक्सेप्शन टू इट ये किसी ने नहीं पढ़ाया होगा किसी को लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ और हमारे स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि ये वाला जो लॉ है ना ये हमारे एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल नहीं होता बिकॉज क्वेश्चन इन अ फॉर्म ऑफ एक्शन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू बट हाउ यू हैव टू रिएक्ट इट इज नॉट इक्वल क्यों क्योंकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है तो अगर आप उस पर डिफिकल्ट रिएक्शन दोगे और ये बोलोगे कि नहीं मैं तो अड़ जाऊंगा मैं इसको करूंगा एंड यू विल कीप वेस्टिंग टाइम ऑन इट तो वो आपका पूरा हैम्पर कर देगा सो आई थिंक जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है इट इज नॉट अ नॉट्रेड मीटर स्प्रिंट की मेरे को भागना एकदम से खत्म कर देना इट इज लाइक अ मैराथन जो कि हमें दौड़ना है लंबा और ऐसे ही वो खत्म नहीं हो जाएगा तो वी नीड टू अचीव समथिंग इफ यू टू अचीव समथिंग वी नीड टू रन फॉर अ लॉन्ग ऐसे नहीं कि भागे और पहुंच गए और हो गया तो so, मतलब कहना चाह रहे हो कि रिएक्शन इज वॉट यूटेड टू बी एंड नॉट इट इज नॉट प्री डिसाइडेड यस हमने मैराथन की बात कही तो सारे स्टूडेंट्स को ही पता है कि मैं लास्ट एक ईयर से मैंने थोड़ा रनिंग स्टार्ट किया मैं डालता भी रहता था कम्युनिटी पोस्ट पे तो मैं शुरू में दो ढाई तीन किलोमीटर पे अटक गया था और ये बहुत वियर्ड था क्योंकि जब मैं मिलिट्री स्कूल में था तो वहाँ दस पंद्रह किलोमीटर ऐसे ही भगा दिया करते थे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं इससे आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं थक भी नहीं रहा हूँ मेरी सांस भी नहीं फूल रही है बट इवन देन देर इज़ सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर तो मैंने थोड़ा सा मैराथन रनर्स से बात की समझने की कोशिश की है ऐसा क्यों हो रहा है चार पांच किलोमीटर तक पहुंच पाया बट फिर वहीं अटक गया फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने दिमाग में एक बेंच मार्क लेके चल रहा हूं कि मैं स्कूल में दस किलोमीटर बारह किलोमीटर भाग लेता था आज भी मुझे वहां तक पहुंचना है वो भागना है दर इज नथिंग रॉन्ग विद डैट बट उसमें क्या हो रहा था मैं रनिंग को एन्जॉय नहीं कर पा रहा था मैं हर स्टेप से वेट करता रहता था कि कब दस किलोमीटर पूरे हो जाए जब दस किलोमीटर पूरे हो जाएंगे तभी मैं खुश होऊंगा नहीं तो मैं खुश होऊंगा ही नहीं मतलब मैंने वेस्ट कर दिया आज का दिन मुझे फिर समझ आया कि हर एक स्टेप उतना ही एंजॉयबल हो सकता है क्योंकि रनिंग एक मेडिटेशन की तरह है जिस आदमी को उसकी आदत लग जाती है वो लग जाती है जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि रनिंग इज लाइक मेडिटेशन और हर एक स्टेप इक्वली इंपॉर्टेंट है और हर एक स्टेप को एंजॉय नहीं करा तो फिर दस किलोमीटर नहीं होने वाले

तो दिस इज द एग्जामिनेशन एज वेल ऑन द एग्जामिनेशन डे जब वो दो घंटे का आखिरी सेकेंड जब तक है तब तक आप गेम में हो और तब तक आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए आई थिंक बिकॉज उससे पहले यू डोंट नो कि क्या होगा एंड ये जो दो घंटे हैं दीज विल बी द यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू आवर्स ऑफ योर लाइफ ऑफ योर दिस जर्नी नॉट लाइफ दिस जर्नी ये जो आपकी जर्नी है तो आई थिंक जब तक गेम खत्म नहीं हुआ है तब तक आप गेम में बने हुए हो एम एस धोनी की आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ मैं नॉर्मली स्पोर्ट्स पर्सन की या क्रिकेटर्स की किताबें कभी उठाया नहीं करता था बट मुझे धोनी साहब बहुत एक एक अजीब इंसान लगे क्योंकि मुझे मैं समझ नहीं पा रहा था व्हाट इज हिज पर्सनालिटी वो क्या है और क्या नहीं है जैसे तेंदुलकर का सबको समझ आ गया था ही इज़ नॉट अ गुड कैप्टन ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट एवर आफ्टर और विद टॉन ब्रेडमेन प्रॉबली बट धोनी को ऐसे ना कंपेयर किया जाता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या है तो उस किताब के नीचे लिखा हुआ था दी दैट कॉल्ड धोनी मैंने मैंने सोचा यार पढ़ के देखते हैं और सबसे पहले और सबसे आखिरी बात जो मुझे समझ आई उस किताब से वो थी साइड oh. एग्जाम में भी यही होता है एग्जाम में आप सोच के तो जाते हो कि ऐसा होगा लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप यू टेक इट फॉर ग्रांटेड यू टेक इट फॉर आप सोचते हो कि ये तो मैं कर ही लूंगा डीए mm. के दस क्वेश्चन में से पांच तो मैं खींच के आऊंगा मेरी स्ट्रेंथ है बट mm. धोनी साहब के अंदर ये एक बहुत अच्छी खूबी थी कि वो फोरसाइड कर पाते थे कि क्या गलत हो सकता है और अगर कुछ गलत हुआ या सब कुछ गलत हुआ तब मैं कैसे रेस्पॉन्ड करूंगा एंड दैट और स्किल ऑफ फोरसाइड वॉज मच बेटर इसीलिए वो एक बहुत अच्छे कैप्टन बन पाए mm. तो मुझे लगता है एग्जाम में अगर स्टूडेंट पहले से ही फोरसाइट लेके चलेगा कि एवरीथिंग कैन गो रॉन्ग एंड इफ एवरीथिंग डस देन आल्सो हाउ विल आई एंश्योर दैट आई विन क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है जीतना है गेम yes. जीतना है देन देन आल्सो हाउ विल आई हाउ विल आई एंश्योर दैट आई विन अगर वो कर लिया तो फिर वर्ल्ड कप स्टूडेंट का है यस सो आई थिंक यहां से मेरे को एक प्लेयर है मैंने एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगा बिकॉज़ हम अभी थोड़ी सी अच्छी बातें कर रहे हैं तो एक और अच्छी बात मेरे को याद आती है कैरली टकैक्स नाम के एक शूटर हुए हैं हंगरी में आई थिंक सबने नाम सुना होगा जो अभी हमारे स्टूडेंट है तो वो हंगेरियन आर्मी में थे और उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो ओलंपिक में गोल्ड जीतना चाहते थे शूटिंग में तो ऐसी एक बार मिलिट्री ट्रेनिंग में क्या हुआ एक्चुअली बहुत लंबी स्टोरी है मैं यहाँ पे कट शॉर्ट कर रहा हूँ एक मिलिट्री ट्रेनिंग में क्या हुआ जिस हाथ से वो शूटिंग करते थे राइट हैंड उसी हाथ में उनके ग्रेनेड फट गया तो अब वहां से उनके पास दो रास्ते थे कि या तो खत्म कर दो या तो आगे बढ़ो या कुछ भी करो तो मैं यहाँ पे बात इसलिए लेके आ रहा हूं कि उनका जो सेल्फ बिलीव था वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि मैं अगर मान के चलू कि अगर आज मेरा आज राइट right हैंड कट जाता है तो आई आई के नॉट इमेजिन कि मैं लेफ्ट हैंड से लिख भी पाऊंगा बट उस आदमी ने लिखा सब कुछ करा उस लेफ्ट हैंड से ट्रेन किया उसने अपने आप को और लगातार दो गोल्ड मेडल जीत के आए वो ओलंपिक्स में लेफ्ट हैंड से वो हाथ जिससे वो लिख भी नहीं पाते थे तो सेल्फ बिलीफ मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब मैं तो चलो एग्जाम की बात कर रहे हैं आज हम तो एग्जाम तो चलो बहुत छोटी चीज है अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो सेल्फ बिलीफ अगर है लोग चांद पे पहुंच गए हम आज भी आर बी एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो एग्जाम बहुत छोटी मोटी चीजें हैं तो ये सब तो बहुत आराम से हो जाएगा इफ एनीवन हैज सेल्फ बिलीफ हम बहुत सारे ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो शायद हमने नहीं देखे हैं या फिर जिनके बारे में सब सिर्फ पढ़ा है या सुना है एक ऐसे इंसान मेरे स्कूल में हुआ करते थे वेन आई वॉज इन द स्कूल जिनके जिनका एक्सीडेंट हुआ और जिनकी पूरी राइट बॉडी पैरलाइज हो गई फिर वो धीरे धीरे उन्होंने बॉडी रिकवर करी लेकिन उनका हैंड नहीं चला उसके बाद और वो स्कॉश खेला करते थे मैं भी स्कॉश खेला करता था उस टाइम पे एक नेशनल चैम्पियन हुआ करता था हमारे स्कूल में और उनका नाम कमांडर संधू था तो कमांडर संधू ने एक दिन मेरे सामने उनको चैलेंज किया कि मैं तो जो लेफ्ट हैंड से हरा के दिखाऊंगा और नेशनल चैंपियन को लेफ्ट हैंड से उन्होंने एक घंटे में हरा दिया तो मैंने सामने सामने देखा और मुझे रियलाइज हुआ ह्यूमन बॉडी की और ह्यूमन माइंड की कोई लिमिट नहीं होती और यही एग्जाम है ये एग्जाम भी आपके आपकी नॉलेज तो चेक कर ही रहा है लेकिन आपकी लिमिट भी चेक कर रहा है कि आपको अगर वो पुश करते हैं तो आप कहाँ तक लेके जा सकते हो कहाँ तक अपना आप कामनेस मेंटेन करके रख सकते हो कहाँ पे आप अपना आ, अपने आप को यू डोंट लेट योर सेल्फ गो यू डोंट लेट योर सेल्फ फॉल टू पीसेस जब एग्जाम आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशन देता है यही है बस एग्जाम और क्या है हारोगे जीतोगे द मैटर दैट स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड कि मुझे अपनी नौकरी छोड़ के या एक कंफर्टेबल और इजी लाइफ छोड़ के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है आई थिंक दैट इट सेल्फ इज सो करेजियस तो आज डरने की जरूरत नहीं है आज फियरफुल नहीं होना चाहिए जब पूरे साल तुमने करेज में निकाल दिए hmm. तो आज डरने का क्या फायदा है तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि मैं चैंपियन हूं चाहे दुनिया कुछ भी कहे चाहे मेरे रिश्तेदार कुछ भी कहें इट डजेंट मैटर आई नो दैट आईम करेजियस इनफ टू हैव डिसाइडेड दिस एंड आई एम गोन टू एंड इट हो सकता है सिलेक्शन ना हो, हो सकता है हो जाए बट दैट डजेंट मैटर दैट इज नॉट दल्टीमेट मेजरमेंट ऑफ योर करेज तो ये जो वैलर एंड विजडम वाली बात है ना ये वैलर खाली जीतने वालों के लिए नहीं होता ये वैलर हर किसी के लिए है ये करेज और ये वाइजनेस हर किसी के लिए है हो सकता है आपका वैलर आज इज नॉट इनफ फॉर यू टू सक्सीड बट इट विल बी इनफ टू इन समथिंग एल्स प्रॉबली तो एग्जाम को एक चैलेंज की तरह लो मुझे लगता है कि उसको पॉजिटिवली लिया जाए तो बहुत अच्छा है hmm. कि मैंने पूरे साल मेहनत करी है और आज नहीं डरूंगा चाहे एग्जाम के बाद डर जाऊंगा लेकिन आज नहीं करूंगा। yes. आपको क्या लगता है आई थिंक सेम व्यूज इन सेम थॉट मेरे भी यही है कि अब कल के लास्ट दो घंटे हैं तुम्हारे पास सबने चकदे इंडिया मूवी देखी है सत्तर मिनट वाला डायलॉग जाके देख लो वही करके आना है आपको 120 मिनट में तो आई थिंक यही है लास्ट मौका और करेज है वेलर है विजडम है ये सब आपके पास है और कोई आपसे आई मीन I mean, अपने आप से कोई ज्यादा वो मत रखो बस सुबह उठना है एग्जाम देने जाना है इट इज जस्ट एग्जामिनेशन इट इज जस्ट अ स्मॉल चैप्टर ऑफ लाइफ वेयर यू हैव टू परफॉर्म वेरी वेल ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कैजुअली चले जाओ पेपर देने के लिए देयर यू हैव टू परफॉर्म वेरी वेल एंड क्या होगा या क्या नहीं होगा लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट लेट्स थिंक अबाउट द प्रोसेस लेट्स थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस दैट वी आर गोइंग टू डू दैट इन टू आवर्स आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है मुझे लास्ट uh, इन बातों से मैं एंड करना चाहूंगा मुझे mm. लगता है कि जैसे जब भी कोई प्लेयर खेल के जीत के हार के जो भी होता है और वो बॉक्स में आते हैं और बात करते हैं तो दे ऑलवेज से आई जस्ट वेंट डाउन देर एंड आई टू गिव माई बेस्ट आई वोट टू एंजॉय द गेम और मैं अपने आप से सोचता था कि यार ये कैसे इतना कैजुअली बोल देते हैं बट mm. अब मुझे लगता है कि इट्स एक्चुअली ट्रू अगर आप अपने माइंड को इतना इनग्रेन कर लोगे ये चीज की आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय द एग्जाम आई एम नॉट गु बी फियरफुल ऑफ इट आई एम नॉट गुन टू बी स्केर्यड अबाउट इट स्केर्यड विद इट बट आई एम जस्ट गुंड टू एंजॉय द एग्जाम तो चाहे कितना ही डिफिकल्ट हो चाहे कितना ही आसान हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यू आर देयर इट इज़ नॉट अगेंस्ट यू यू आर देयर विद द एग्जाम एंड यू आर जस्ट गु एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ द एग्जाम दैट्स इट बहुत सिंपल और सही फोकस के साथ एग्जाम देने जाओ आई थिंक दैट इज मोर देन अनफ फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम जितनी मेहनत आपने करनी थी वो आपने कर ली है Your courage and your wiseness is going to work tomorrow without any doubt. That is the self belief that you have to go with. And I think that is enough for you to clear the exam. So, this is a small gift for all the RBA 2023 aspirants. So, here we go. <laughs> कच्चा खड़ा हूँ मैं फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं एक कच्चा खड़ा हूं मैं ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे पर मैं काम कर रहा हूँ मेरी सारी खामियों पे कलिए मारेंगे ताली मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा ये साले शर्माएंगे हमारे अपने हो कह के ये बाहें गर्माएंगे क्योंकि सिद्धि बड़ा हूं मैं एक कच्चा घड़ा हूं मैं फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं पूरे पे ये मैं टूट रहा हूँ जो मैं सीख रहा हूँ पर वो बेवकूफ़ है मैं तो सीख रहा हूँ ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं एक कच्चा लड़ा हूँ मैं साथ में खड़ा हूं मैं एक कच्चा घड़ा हूं मैं एक कच्चा घड़ा हूं मैं थैंक यू